जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जय हिंद कॉलेज और सेंट जेवियर्स कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जय हिंद का एज वेल एज सेंट जेवियर्स का, दोनों का भी कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या मेरिट लिस्ट बनेगी, कैसे मेरिट लिस्ट बनेगी। सो ये सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग जानेंगे। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड गाइस, जय हिंद कॉलेज एज वेल एज सेंट जेवियर्स के लिए हमने क्रैश कोर्स बैच 2 लॉन्च कर दी है, आज से ये चालू हो गया है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 9987338335 और यू कैन ऑल्सो विजिट टू आवर वेबसाइट viditeducation.com। इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेस, सारी चीज़ें मिलने वाली है। 10 डेज का ये क्रैश कोर्स बैचेस है, ओके। एंड डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है, डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम अवर एंड, इट्स अ फ्री काउंसलिंग फॉर्म लिंक। नाउ गाइस, चलिए अब सबसे पहले जय हिंद कॉलेज के सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात कर देता हूँ। तो द मेरिट लिस्ट एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन वेटेज ऑफ 50% ऑफ जय हिंद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, 50% ऑफ द 12th बोर्ड, ये क्लियर है, ओके। और ये 7 courses है, ये 7 courses का वेटेज है। इसका मतलब अगर आपका 60% मार्क्स है 12th में एंड 60 मार्क्स है JHC CET में, ओके, तो इसका 50% कितना हो गया, 30 मार्क्स, इसका 50% कितना हो गया, 30 मार्क्स। सो टोटल आपका जो स्कोर बनेगा वो कितना होगा, मेरिट लिस्ट 60 मार्क्स, तो 60 मार्क्स आपका ये है। सो दिस इज हाउ दी सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर दी जय हिंद कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो दोनों का 50-50 कंसिडर किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू सेंट जेवियर्स, ओके। इसका थोड़ा सा TDS है, दिस इज फॉर दी BMS एंड BMM, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम लिखते हैं। 60% वेटेज टू दी स्कोर ऑप्टेन ऑनलाइन टेस्ट एंड 40% वेटेज टू दी 12th मार्क्स, ओके। तो 12th का 40%, अगर आपके पास 60% आए हैं तो इसका 40% 12th का, और अगर आपका ZAT में मार्क्स है सपोज 60 मार्क्स है, ओके, आउट ऑफ 100 मार्क्स में 60 मार्क्स है, तो इसका 60% कंसीडर किया जाएगा, दैट मीन्स 36 मार्क्स, और इसका 60% का 40% इज 24 मार्क्स। सो टोटल इज आपका मेरिट कितना बन रहा है, 60 मार्क्स आपका मेरिट बन रहा है। सो यही आपका बेसिस होगा एडमिशन का इन दी सेंट जेवियर्स कॉलेज, ओके। सो दिस इज अबाउट दी सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज एज वेल एज जय हिंद कॉलेज। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझी रहेगी। एंड गाइज, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ओके। सो आपको क्वेश्चन स्टिक करने हैं, ईजिली आप कर सकते हो अगर आपने प्रिपेयर किया है, तो नो नेगेटिव मार्किंग। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।